नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम तीन स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए दोस्तों, तीनों स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक एक स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। हालांकि यस बैंक आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनी देखने को मिल जाएगी, लेकिन हाँ, ये तीनों कंपनियों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मतलब क्या दोस्तों कि चल जाए तो चल जाए। हालांकि तीन स्टॉक में से एक ही स्टॉक होगा, दो ही स्टॉक होगा जो कि चलेगा आने वाले समय दोस्तों। कुछ मतलब मार्केट है जिस समय मतलब अभी क्या है कि एक पूरा मार्केट ही का जो ट्रेंड है दोस्तों अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पे देखा जाए मतलब आने वाले समय इनके परफॉर्मेंस कैसे रहेंगे वो तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ना वैसे में अगर देखा जाए जेटी केटी में दोस्तों कि मतलब कि एक ऑर्डर मिला 183 करोड़ के आसपास, हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी 200 के लेवल को टच कर सकती है। यस बैंक की बात करें तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक शॉपी रिटेल में दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं, तो उस स्टॉक में इतनी तेजी आज के दिन क्यों थी उससे रिटेल में मैं बात करूंगा। पहला स्टॉक हमारा एड शॉपी रिटेल दोस्तों। एड शॉपी रिटेल की बात करें तो आज के दिन 9.5% की तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये कंपनी 11% के आसपास भी तेजी दिखाया था। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा दोस्तों कि इस स्टॉक में अचानक से तेजी क्यों देखने को मिली। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आज के दिन अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो सबसे ज़्यादा पीटे हुए स्टॉक थे दोस्तों, मतलब कि अगर मैं बात करूँ जैसे बहुत सारे शुभम की बात कर ले, एवेन्यू की बात करूँ, मतलब जो इन्फीबीम एवेन्यू है दोस्तों उसमें भी आपको तेजी देखने को मिला होगा। मतलब देखा जाए तो मतलब बहुत सारे ऐसे जो 30 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये वाले स्टॉक थे, आज के दिन सबसे ज़्यादा उसी में तेजी देखने को मिली है। ऐसा नहीं दोस्तों, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी, 83 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाई लो कंपनी का दोस्तों आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 रुपये के आसपास इस कंपनी का लो है। ये कंपनी रिसेंट में 28 रुपये के आसपास भी आई थी। जैसा कि दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी, तो कोई दोस्तों इसमें अपने को ना अभी तक न्यूज़ देखने को मिला है ना ही कुछ। हालांकि आपको मिला होगा तो आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। जो स्टॉक ज़्यादा मतलब कुछ दिनों तक, मतलब बहुत दिनों तक दोस्तों की नीचे रहता है, तो उसमें अपने को इस टाइप की तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो जो रिटेलर सोच रहे कि इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी, सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, यहाँ पे। हालांकि दोस्तों इन सभी को नोट करते हुए आप एक चीज़ और भी नोट करना, क्योंकि दोस्तों जिस समय गिरावट होगी तो इस स्टॉक में तेज़ी से ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस गिरावट रहेगा दोस्तों, लो रहेगा, उससे नीचे ये कंपनी देखने को भी मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों इनकी अगर मैं बात करूँ, प्रमोटर से ज़्यादा दोस्तों आपको यहाँ पे पब्लिक देखने को मिल जाएगी, 72% का स्टेक। मतलब क्या है दोस्तों, पब्लिक और रेजिंग करते करते परेशान है। इस स्टॉक को उन्होंने 100 रुपये पे बाइंग किया दोस्तों, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली 54 रुपये पे, जो कि आप कह सकते हैं कि मतलब इशू प्राइस की बात करें तो मतलब कुछ वो होता है ना, जो कि मतलब कि राइट इशू लेके आती है कंपनी, तो उसमें भी उन्होंने अप्लाइंग किया 54 रुपये, 55 रुपये के आसपास, उससे भी नीचे कंपनी आ गई। अभी प्रमोटर की बात करें तो 27% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि वो सेल करते जा रहे हैं। हालांकि देखिए, ये तो राइट इशू का प्राइस है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों मतलब जो इस कंपनी को मल्टीबैगर बता रहे हैं, अभी तक कोई भी इस कंपनी से रिलेटेड मतलब वीडियो भी नहीं बनाता। अगला जो इसमें नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है दोस्तों, 86 करोड़ का, मतलब कंपनी के पास रिजर्व तो देखने को, यहाँ पे डेट देखेंगे तो 12 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब क्या है दोस्तों, ये छोटी छोटी कंपनियाँ अपना मतलब क्या है कि कमाओगे कितना, आप 1 करोड़, 2 करोड़ मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी की इनकम कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 15 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास कंपनी की इनकम देखने को मिलेगी। उसमें अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो कंपनी 1 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट ही पे कर देती। क्वार्टरली अगर देखें दोस्तों, तो क्वार्टरली में आपको 2 करोड़, 2.25 करोड़ के आसपास देखने को मिली, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी बहुत बुरी तरह से डाउन है। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट की बात करें तो 24 लाख के आसपास कंपनी इंटरेस्ट भी पे कर दिया है। तो ऐसे में चाहे तो दोस्तों मेरे पॉइंट से इन स्टॉक से आप दूरी बना के चल सकते हैं। हालांकि हम कोई भी मतलब कि इस स्टॉक को मतलब निगेटिव नहीं बता रहा हूँ, ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ इन सभी कंपनियों में होता क्या दोस्तों कि मेरे पॉइंट से देखिए, जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, बहुत छोटे इन्वेस्टर हैं दोस्तों, उन्होंने ही इस कंपनी में निवेश किया होगा, जिनको मतलब कि ये कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर दिख रहा होगा, उन्होंने ही निवेश किया होगा। हालांकि मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो कि मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, कि आप इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हो या नहीं, बस इस चीज़ को आप एक बार कमेंट कर देना। करते हो तो आप इस मतलब तब तो कंपनी अच्छी है, नहीं करते दोस्तों तब कंपनी खराब है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो कंपनी के अभी क्या क्या प्रोडक्ट है कितने रिटेलर को पता ही नहीं होगा, बस उन्होंने मतलब क्या स्टॉक भाग रहा है तो वो बाइंग कर लेते हैं। हालांकि गिरावट होती है, कहां तक गिर सकता है दोस्तों, 30 रुपये के आसपास आ सकता है। हायर की बात करें तो मार्केट दोस्तों कहीं भी जा सकता है, आने वाले समय ये कंपनी 35 के आसपास जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा जेटी केटी दोस्तों। जेटी केटी की बात करें, हाँ इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं। ये कंपनी दोस्तों एक मतलब कि फ्यूचर का देखा जाए तो देखिए मार्केट है, पहली बात तो मल्टीबैगर बन सकता है। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी ऑटो सेक्टर को बिलोंग करती है, ऑटो एंड सर्विस से रिलेटेड काम करती है। इसका जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ऑटो कंपोनेंट्स, स्टेयरिंग से रिलेटेड, मतलब जो कि चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए, चाहे सीएनजी कार आ जाए, चाहे कोई भी XYZ दोस्तों कोई भी कार आ जाए, इस कंपनी का फ्यूचर ही देखने को मिलेगा। इस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि स्टिक जो कि मारुति सुजुकी का भी है, सोना क्यों की बात करें जो कि जापान की कंपनी है, तो उसका भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं जेटी केटी कॉर्पोरेशन ही मतलब कि
कह सकते हैं, जो कि जापान में लिस्टेड है। 7% स्टॉक में तेजी देखने वाली 183 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर देखने को मिला। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 10 अगस्त 2023 को कंपनी 167 की प्राइस पे गई थी। लो की बात करें, जो कि कंपनी का 52 वीक लो है दोस्तों, 95.55 रुपये के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपको टाइमिंग भी देखने को मिल जाएगा, 28 मार्च को कंपनी ने लगाया था। ऑर्डर किसके थ्रू मिला दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि मतलब कि नाम तो देखा है तो JTKT का ही देखने को मिलेगा। JTKT ब्राज़ील की बात करते हैं, इसकी तरफ मतलब जो कि कंपनी सप्लाई करेगी। न्यू ऑर्डर कंपनी को मिला है दोस्तों फ्रॉम JTKT ब्राज़ील की तरफ से, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 दिसंबर को देखने को मिलेगा। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे 7% के ऊपर ही स्टॉक में तेजी देखूँ, 930 के आसपास। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो कि कंपनी का मतलब अभी तक जो सप्लाई करेगी दोस्तों, ये कंपनी मतलब जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, ऑटो कंपोनेंट्स, व्हील से रिलेटेड सारा जो कि मतलब कंपनी बनाती है, स्टेयरिंग से रिलेटेड मतलब जो भी पार्ट्स है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी आप कर सकते हैं सप्लाई, जो कि गुड्स अंडर रिस्पेक्टिव जो कि परचेज ऑर्डर जो होगा दोस्तों इशू JTKT ब्राज़ील को, जो कि कंपनी सेल भी फॉर ए ड्यूरेशन स्टार्टिंग जो कि फ्रॉम डेट इशू से, आप कह सकते हैं कि इसके मतलब कि उनके क्राइटेरिया है जो कि एक्सपायर ऑन द डिलीवरी टाइमिंग शेड्यूल, जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, मतलब रिलीज़ होने के बाद उन्होंने बताया है कि ऐसा होगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देख भी सकते हैं कि लगभग जो इनको जो ऑर्डर मिला है 183 करोड़ के आसपास, आप कह सकते हैं कि ऑर्डर भी मिलते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो ऑटो वाली सेक्टर को मतलब कि ये कंपनी बिलोंग करती है, तो ऐसे में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी होते रहते हैं, इसकी बात नहीं। यहाँ पर अगर देखा जो कंपनी का अभी तक का मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो वही हाई लो हमने देख ही लिया, 52 वीक लो से देखा जो मतलब अभी तक कंपनी मतलब कि आप कह सकते हैं कि लगभग 48% के आसपास रिटर्न भी बना के दे दिया। तो बाइंग करना है नहीं करना है तो मर्जी आपकी, लेकिन हाँ इस कंपनी की बात करें तो लॉन्ग टाइम में ये कंपनी हो सकता है थोड़ा अच्छा भी साबित हो सकती है, क्योंकि अगर इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो वॉलेटाइल तो है दोस्तों, छोटी कंपनी है, 3,000-3,500 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 40 KP पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तो हो सकता है दोस्तों, देखिए अगर आप ऑटो सेक्टर वाली कंपनियों के चार्ट देखेंगे तो आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ऐसे में ये थोड़ा सा रिस्की कंपनी है। रिस्की कंपनी होने का मतलब दोस्तों, अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी 130 से 132 के आसपास आ सकती है, वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो 110 के आसपास भी आ सकती है। वहीं पे तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 200 के लेवल को भी टच करेगी। अगला स्टॉक हमारा यस बैंक है। यस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो 6% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। जैसा अगर आप कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों, तो मतलब होता क्या है दोस्तों, देखिए अभी तक ये आपको 73% तो देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो पूरी तरह से ये कंपनी मतलब ख़त्म ही है दोस्तों। हालांकि अगर अभी तक की बात करते हैं, जो मार्केट कैप है कंपनी का 65,000 करोड़ के आसपास भी गया था, लगभग 60,000 के ऊपर 62,000 के आसपास कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है, 73 KP पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तेजी के पीछे के रीजन्स क्या है दोस्तों, जैसा कि आप देखें तो 7% के आसपास इस कंपनी में तेजी देखने को मिली। जो लेंडर है दोस्तों, मतलब जो अगर मैं NPA की बात करूँ तो उसमें मतलब कि ये सेल करेंगे लगभग 4234 करोड़ के आसपास। इसमें कौन बीडिंग लगाएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग वाली बात हो सकती है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं बात करूँ एनलिस्ट की, तो देखा है तो उनके जो अभी तक के टारगेट है दोस्तों, लगभग 26 रुपये तक ये कंपनी जा सकता है। हालांकि मेरा मानना है दोस्तों, ये कंपनी 25 तक भी जा सकता है। जैसा अगर आप देखेंगे तो 7% स्टॉक में तेजी, जानिए ऐसा क्यों हुआ, क्या फैसला लिया कंपनी ने, इसी से रिलेटेड बात हो रही है। मतलब दोस्तों आज के दिन इसी से रिलेटेड आपको मतलब कि देखा है तो 4200 कुछ करोड़ का, जो कि मतलब कंपनी ने मतलब जो अपना जैसे ही जारी किया दोस्तों, EOI की बात करें, इंटेंशन की बात करें, लेंडर इन्वेटर्स बिड जो है दोस्तों, उस वो जैसे ही जारी किया वैसे ही स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अब इसको कौन बीडिंग लगाता है दोस्तों, जो ज़्यादा से ज़्यादा कैश देगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देगा दोस्तों, उसी के ऊपर ये तो बात आएगी। हालांकि दोस्तों ऐसा मतलब कि आने वाले समय और भी कंपनी कितना ऊपर जा सकती है, ये तो देखने वाली बात है। हाँ मेरे पॉइंट से दोस्तों, इस कंपनी मतलब जो भी रिटेस्टर बाइंग करना चाहते हैं, देखिए बहुत ही मतलब लंबा समय आपको देना पड़ेगा। आज भी देखा है तो मतलब एक साल में कंपनी 10% 11% डाउन है। 5 साल की बात करेंगे दोस्तों, तो 5 साल में कंपनी 88% आज भी डाउन है। मतलब देखा जाए तो अभी इस कंपनी का जो चार्ट है दोस्तों, ऐसा भी नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम पूरी तरह से फ्लैट। हो सकता है कि कंपनी अभी रिसेंट में 24.75 रुपये के आसपास गई भी थी, तो हो सकता है वहाँ से जा करके फिर रिटर्न आ जाए। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों, देखिए ये सारा जो कि ट्रेडर्स वाली बात है दोस्तों, कुछ अच्छा चल रहा है तभी स्टॉक का प्राइस भी देखा है, तो आप कह सकते हैं कि 6 महीने में एक अच्छा खासा ही चल रहा है, मतलब 30% के आसपास वाई टू डेट में देखेंगे, मतलब कुछ भी कंपनी ने रिटर्न बना के नहीं दिया। हाँ अगर हम इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो 50% के आसपास, 40% के ऊपर कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। गिरावट होती है तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से वही 18 रुपये से 17 रुपये के आसपास भी ट्रेड कर सकता है, जैसे ही ये मतलब न्यूज़ का असर खत्म होगा। तो तेजी की बात करें तो एक बार ये कंपनी 25 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय में, देखिए फ्यूचर की बात करें तो जब तक मार्केट मतलब मार्केट में अच्छा ट्रेंड चल रहा है तो 30 रुपये तक भी ये कंपनी जा सकती है। तो क्या बाइंग करना है नहीं करना है, तो मेरे पॉइंट से जो भी रिटेस्ट है इस कंपनी को, मतलब पुरानी होल्डिंग्स है जिनके पास, आप चाहे तो पुरानी होल्डिंग्स को ही कंटिन्यू करें, नया जो कि ऐड करने की कोशिश ना करें। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।